subscribe and press the bell icon for latest update. संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत को लेकर हो रहे विरोध के बीच करणी सेना के नेता सूरजपाल सिंगामू ने कैमरे के सामने ही रिपब्लिक टीवी के रिपोर्टर को थप्पड़ मारने की धमकी दे दी। साथ ही अमू ने रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्णब गोस्वामी को लीगल नोटिस भेजने की भी बात कही। दरअसल हुआ ये कि बुधवार को गुरुग्राम में पद्मावत का विरोध कर रहे उपद्रवियों ने बच्चों से भरी स्कूल बस पर हमला बोल दिया। इन लोगों ने स्कूल बस पर पथराव किया। इस घटना से पूरे देश में रोष बढ़ा। इसी मुद्दे पर रिपब्लिक टीवी के रिपोर्टर सूरजपाल अमू के घर इंटरव्यू लेने पहुंचे। इंटरव्यू देते देते अमू बुरी तरह भड़क गए। हुआ ये कि रिपोर्टर ने उनसे कहा कि आपने तो कहा था कि अगर पद्मावत रिलीज हो गई तो मैं अपनी दाढ़ी कटवा लूंगा, क्या अब आप ऐसा करेंगे? दाढ़ी की बात ने अमू को भड़का दिया। अमू रिपोर्टर से बोलने लगे कि आप अपने शब्द वापस लो। रिपोर्टर ने कहा कि हम नहीं लेंगे क्योंकि आपका वीडियो भी है। बात यही नहीं रुकी। रिपोर्टर ने कहा कि आप लोग भड़काऊ बयान दे रहे हैं इसलिए बच्चों की बस पर हमला हो रहा है। रिपोर्टर ने फिर से पूछा कि अब पद्मावत रिलीज हो गई है, अब आप क्या करेंगे? इस पर अमू ने कहा कि मैं सिनेमा हॉल में जाऊंगा और लोगों से फिल्म न देखने की अपील करूंगा। जवाब में रिपोर्टर ने पूछा कि किस सिनेमा हॉल में जाएंगे? इस पर मामू ने कहा कि अभी तुम बच्चे हो, जाओ अपना काम करो। SBN News Room की रिपोर्ट।